2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा तुम मेरी पीठ खुजाना और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, पीपल आर गोइंग टू जेल एंड इफ यू आर करप्ट पीपल विल कंटिन्यू टू गो टू जेल। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए, उन्हें गिरफ्तारी उनकी क्यों हुई, क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? लिकर स्कैम, शराब घोटाला। ये शराब घोटाला दिल्ली का क्या घोटाला है, कब शुरू होता है, इसकी टाइमलाइन और जिसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी क्या है? नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल अनाउंस करते हैं कि हम एक न्यू एक्साइज पॉलिसी अर्थात दिल्ली में एक नया शराब नीति लेकर आएंगे, आबकर नीति लेकर आएंगे, एक्साइज पॉलिसी, जिससे कि जो दिल्ली की एक्सचेकर है, दिल्ली का जो खजाना है, वो करोड़ों रुपए से लबालब हो जाएगा, भर जाएगा और दिल्ली को बहुत लाभ होगा। मगर आनन फानन में बिना कैबिनेट के अप्रूवल के और बिना सरकारी अप्रूवल के, जबकि सरकारी डिपार्टमेंट ने कहा था, एक्सपर्ट्स ने कहा था, ये जो आप एक्साइज पॉलिसी ला रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है, उचित नहीं है, मत करिए फंसोगे, ये सब कुछ ताक में रख करके फिर भी नवंबर 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी आती है। जुलाई 2022 में दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये नई आबकार नीति जो आई है इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जुलाई 2022 में ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने सीबीआई की जांच के आदेश दिए।